हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन सराफ और आप हैं हमारे चैनल आर एडिशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी RC 390 के डिसलाइक्स के बारे में, इसमें क्या क्या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब हर बाइक की कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाते हैं, तो उसे हम थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है हमें। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मुझे क्या क्या बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं इसका लेना चाहूँगा, मतलब पहले सबसे अच्छा था इसका, बट अब मुझे इसका सबसे बेकार लगता है वही चीज़। मतलब BS4 से अगर मैं कंपेरिजन करूँ, इसका हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो आपको इसमें, अगर आप BS4 वाला राइड किए होगे, RC 390 या RC 200 अभी भी जो मिलती है, उसकी हैंडल बार काफ़ी छोटी है तो बाइक के अंदर सा फील होता है। बट ये वाली, इसकी हैंडल बार वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है तो बाइक से बाहर लगती है पूरी हाथ आपको, क्योंकि इसकी हैंडल आपको इतनी आती है तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसका जो ये राइड बाय वायर का जो सिस्टम इसमें लगा हुआ है, उसके कारण ये स्विच कंसोल, ये वाली थोड़ी वाइड हो गई है, इतनी वाइड, तो उसके वजह से हैंडल वाइड हो गया है इसका हैंडल बार। तो बट जो भी हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसकी जो ब्रेक्स है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ समय के बाद इसकी ब्रेक, अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करोगे तो इसमें से बिल्कुल एनोइंग सा आवाज़ आता है, मतलब ची च्यू ऐसा टाइप का आवाज़ आएगा। तो उससे कुछ खास ब्रेक पे तो खैर असर पड़ता नहीं है, बट अजीब सा लगता है, तो वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। बट उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं, वो डिस्क पैड को थोड़ा रब करके साफ़ करना होता है, और डिस्क प्लेट को भी अगर आप वो कर लोगे तो प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, ये एक नॉर्मल सा हर आसी वाले को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा, इसको वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसकी वॉशिंग प्रॉब्लम है यार। मतलब जितने आप इसके एजेस और कट्स जितने अच्छे लगते हैं, उसे साफ़ करने में ना ही ज़्यादा मेहनत भी लगता है, बट कोई नहीं है, मैं तो खुद से ही साफ़ करता हूँ तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसे वॉश करने में, अगर अच्छे से मैं वॉश करने बैठूँ तो, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे कट्स हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपकी उंगली नहीं जा पाई अच्छे से, इसके जो स्विंग आर्म्स हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे कट्स और शार्प है काफ़ी, ये सब हो गया, इसके अंदर नहीं जाएगा हाथ, इसके अंदर नहीं जाएगा और धूल हर जगह चला जाता है। आप बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा है साइड मिरर। बाइक कैसे खड़ी खड़ी भी मेरे बाइक गिर जाए अभी, तो और कुछ हो ना हो, मेरा साइड मिरर जरूर टूटेगा। RC 390 वाले या फिर RC राइडर सब जानते हैं इस बात को, कि अगर ये बाइक अगर गिर भी गई या फिर कुछ भी आगे टच भी हो जाता है साइड मिरर में, ये इतना ज़्यादा वीक है कि वो टच होते ही टूट जाता है। और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी प्राइस अप्रोक्स 1650 और 1700 के आसपास है, और ये हर बार टूटती ही है, अगर बाइक कैसे भी गिरे वो टूटनी है दोनों में से कोई भी। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लूँ, इसका अंदर सीट स्पेस, जिसके अंदर सीट के नीचे जो स्पेस होता है वो बहुत कम है, मतलब इतना कम है कि अगर आप इसका टूल बॉक्स निकाल लो तो फिर उसको ही डालने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं ना के मतलब, बस वो टूल बॉक्स जैसे तैसे फिट हो जाएगा, और जो कंपनी आपको जो फर्स्ट एड वाली किट देती है वो जैसे तैसे फिट हो जाए, बाकी आप अपने पेपर्स भी नहीं रख सकते, तो वो थोड़ा एक, खैर उससे मैं बिल्कुल मेजर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप स्पोर्ट बाइक रखे हो तो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है हर चीज़ में, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। वैसे मैं जो ये निगेटिव वाली पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल चुन के मुझे निकालना पड़ता है, ये जो हैंडल वाली थी वो मुझे लगती थी, तो बस वो मैंने एक मेजर बता रहा है, और भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। इसका सिक्स पॉइंट होगा बॉडी में से वाइब्रेशन। खैर BS4 से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो बहुत कम है, उसमें तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसके इंजन रिफाइंड भी उतना नहीं था, तो उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता था, बट स्टिल इसमें भी वाइब्रेशन है, और इसे भी हम फिक्स कर सकते हैं, और ऐसा फिक्स कर सकते हैं कि फिर कभी इसमें कभी वाइब्रेशन ना आएगा और ना ही कभी नट लूज होंगे इसके, वो मैं अगली वीडियो में कभी मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा, जब मैं अपने बाइक के ऊपर वो वाली फिक्सिंग करने वाला हूं, तो जब मैं वो करूंगा तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। एक्सेलरेशन मिसिंग बाइक में, वैसे राइड बाय वायर तो डाल दिया है, राइड बाय वायर मतलब कि इसमें जो नॉर्मल जो बाइक में तार से कनेक्ट होता है जो कि एक्सेलरेटर को खींचता है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिकली सिग्नल भेजता है यहाँ से अपने ECU में, फिर वो बताता है कि इंजन को कितना रेस में चलना है और कितना स्लो चलना है, कितना एक्सेलरेशन लेना है। तो ये चीज़ तो खैर कंपनी ने डाल दी, बट टॉप नोच वाली क्वालिटी मुझे नहीं लगती, बिल्कुल टॉप फील नहीं आता, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस कर रहा है, लैग कर रहा है थोड़ा सा, हल्का सा मैं बोल सकता हूँ मतलब, लेकिन वो अगर आप राइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक की एक्सेलरेशन मिस हो रही है कभी कभी। तो ये मुझे मेरी सेवन्थ पॉइंट रही, इसके एक्सेलरेशन, इसकी जो राइड बाई वायर वाली जो कंपनी ने डाला है
सिस्टम वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो जो आ रही है नई वाली उसमें खैर वो शायद फिक्स कर दिए, ये मेरा फर्स्ट लॉट वाला है तो इसलिए शायद इसमें अभी प्रॉब्लम है ये वाली। स्पीडोमीटर की बात कर लें, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको 50% लाइक भी कह सकते हो डिसलाइक भी कह सकते हो। डिसलाइक इसलिए क्योंकि आपके टाइम में अब इसके जो कंपटीटर हैं वो अब ये डिजिटल मीटर को छोड़ के अब डिस्प्ले वाले मीटर पे चले गए हैं, तो वो एक चीज़ इसमें मिसिंग है। बट स्टिल इसमें अभी भी वो हर चीज़ है जो कि हमारे मुझे अपने बाइक में जानना होता है, बट फिर भी डिस्प्ले मीटर होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो अब आता हूँ मैं अपने 9th पॉइंट पे। मुझे इसका फ्यूल कैपेसिटी जो टैंक कैपेसिटी है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब बिल्कुल क्या पसंद नहीं आया, मतलब बहुत कम है, 9.5 लीटर से 10 लीटर का है और बहुत कम है। और मैं इस पर टूरिंग करना पसंद करता हूँ और तो उस हिसाब से मुझे पेट्रोल पंप काफ़ी घूमना पड़ जाता है। शायद इसके लुक्स और इसके डिज़ाइन में इतना ही लीटर तक का टैंक का कैपेसिटी वो दे सकते थे तो उन्होंने किया, बट थोड़ा और ज़्यादा होता तो अच्छा होता, बट ऐसे भी चल रहा है तो चला ही लेंगे। और लास्ट पॉइंट है इसका, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इंजन रिलायबिलिटी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक इसकी जो इंजन की लाइफ है वो बहुत कम है और इसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम सुनने को मिलते हैं कि इंजन सीज हो गया, इंजन बहुत जल्दी खुल जाता है। तो ये मैंने भी फेस किया हुआ है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मान लो कि इसकी इंजन लगभग आपके 30,000 से 40,000 के बीच में आपको इसकी इंजन रिबिल्ड करवानी पड़ जाएगी अगर आप राइड करते हो। जैसा कि बाइक है 390 और अगर आप 390 के हिसाब से राइड कर रहे हो, स्पीड में रश चला रहे हो, तो फिर इसकी इंजन जल्दी जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी पॉइंट है इस बाइक की। और इसकी इंजन रिबिल्ड का कॉस्ट अगर आप अपनी बाइक की फुल इंजन रिबिल्ड करवा रहे हैं तो लगभग आपके 60,000 से 70,000 रुपये कहीं नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे बाइक में लगेंगे। क्योंकि मैं RCVS4 जब मैंने यूज़ किया था तो मैं 23 से 24 हज़ार जब उसे राइड किया तो उसे एग्जॉस्ट से स्मोक आ गया था। मैंने जब सर्विस सेंटर में दिखाया तो उसने मुझे बताया था कि इसका इंजन खुलने वाला है, तो उसके कारण मुझे उसे सेल करना पड़ा था। तो ये चीज़ सबसे मेजर, अगर आप RC390 ले रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा। इसकी इंजन रिबिल्ड की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और बट इसी के साथ अगर RC200 का आप ले लो तो उसकी इंजन रिबिल्ड 20,000 से 25,000 22,000 में बिल्कुल फुल इंजन आप रिबिल्ड करवा पाओगे और वो काफ़ी चीपर है इससे। तो वो एक बात अलग है, वो 200 cc है, 390 cc है। तो ये रहे मेरे 10 पॉइंट्स जो कि मुझे अपने बाइक में बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एक और पॉइंट मिस कर गया, वो भी मैं बता देता हूँ डिसलाइक में, वो प्लस रख लो। तो वो होगी हमारी व्हील की पेंट। और जब भी आप किसी भी, शायद मेरे ख्याल से किसी भी KTM में होगा, क्योंकि DS4 वाले में भी ये प्रॉब्लम था, जब इसके व्हील को साफ करोगे तो आपको फील होगा कि इसका कलर उतर रहा है। आप जब साफ करोगे तो भी आपके, आप जिसका क्लोथ से साफ करोगे उसमें भी इसके कलर लग जाएगी, और अगर आप पॉलिश भी कर रहे हो तो जिस कपड़े से पॉलिश करोगे उसमें भी इसकी कलर लग जाएगी। क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं वॉश करता हूँ तो इसका कलर उतरता है व्हील का। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट रहा। और बाकी इसमें कुछ मुझे खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है बाइक में। बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी प्यारी है, लुक वाइज, एक्सेलरेशन वाइज, हर चीज़ से मुझे प्यारी लगती है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। एंड पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।